आज हम देख रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए। तो डीएफए को समझने से पहले सपोज़ करो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटास हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मतलब कि लैंग्वेज के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स हैं, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तो सपोज़ करो हमारे पास एक लैंग्वेज है, एल इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ स्टार्ट्स विथ ए। तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या कह रहे हैं, वो सारी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में आएंगी जो किससे स्टार्ट हो रही हो, ए से। तो अगर हम इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में देखें, तो अगर ए है तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। डबल ए है क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसमें ए बी है, ए बी है, ए ए है, कोई भी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही हो, बाकी कुछ भी हो आगे, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो ऐसी लैंग्वेज के लिए डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा ऐसे बनते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्ट होता है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, अभी आप ये समझ लो कि ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है। अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट क्या गिवन है, ए और बी। देखो ये इस डायग्राम में आपको जो ट्रांजिशंस दिख रहे हैं वो ए और बी के हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, देखो इसमें टर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पहले हम देख लें फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि जो भी हम ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें कितनी स्टेट्स हैं, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू। मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में। और स्टार्टिंग स्टेट कौन सी होती है, जिसके आगे एरो लगा हुआ हो, ये स्टार्टिंग स्टेट है क्यू जीरो। और फाइनल स्टेट कौन सी होती है, जिसकी जो डबल सर्कल में इंक्लोज्ड होती है। तो क्यू वन हमारी फाइनल स्टेट है और एक क्यू टू स्टेट है। ठीक है, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इसीलिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, तो अब इसे डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं क्यू जीरो को ए इनपुट देती हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, क्यू वन स्टेट पर। क्या मैं क्यू जीरो को ए देकर क्यू टू पर पहुँच रही हूँ, क्या नहीं, मैं इसको बी दूंगी इनपुट तो मैं क्यू टू पर पहुँचूंगी। तो एक इनपुट से आप एक ही स्टेट पे जा सकते हो, क्यू जीरो पे ए दिया तो आप क्यू वन पर ही जा पा रहे हो, क्यू टू पे नहीं जा रहे हो, तो ये डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको न्यू मार्केट से वीआईपी जाना है और आपको रास्ता पता है, तो ये चीज़ होती है डिटर्मिनिस्टिक। आपको पता है ए के बाद बी आता है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। तो जितनी भी मशीन से वो सब डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, आपको फ़ैन को अगर आपने स्विच ऑन किया तो वो ऑन ही होना है, ऑफ़ किया तो वो ऑफ़ ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यही है कि एक इनपुट देने पर आप एक ही स्टेट पे जा पाओगे। जबकि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में देखेंगे कि Q0 को जैसे A पे हमने दिया तो हम Q1 पे पहुँच रहे हैं, और Q0 को ही A इनपुट दिया तो हम हो सकता है Q2 पे भी पहुँच जाएँ। तो ये पॉसिबिलिटी है नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कि एक इनपुट देने पे आप मल्टीपल स्टेट्स पे मूव हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने Q0 को A दिया है तो आप Q1 पे ही जा रहे हो, Q2 पे नहीं जा रहे हो। अगर आपको Q2 पे जाना है तो इनपुट सिंबल क्या है, B। तो एक इनपुट से हम एक ही स्टेट पे मूव हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स पे मूव नहीं हो सकते, इसीलिए इसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। तो पहले हमने एग्जाम्पल से देख लिया कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इन डी एफ ए फॉर ईच इनपुट सिंबल वन कैन डिटरमाइन द स्टेट टू विच द मशीन विल मूव। तो डी एफ ए में किसी भी इनपुट सिंबल को आप देते हो किसी स्टेट पे इनपुट, तो आप ये बता सकते हो कि स्टेट जो है, उस मशीन की जो स्टेट है, किस नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेगी। ये डिटर्मिनिस्टिक है कि नेक्स्ट क्यू जीरो पे आप ए दोगे तो आप क्यू वन पे जाओगे और किसी स्टेट पे नहीं जाओगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं देयर इज़ यूनिक और सिंगल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विथ सेम इनपुट सिंबल, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, हैंस द मशीन इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा। तो क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, आप एक इनपुट देने पर आप एक ही स्टेट पे मूव करते हो, तो ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, इसीलिए इसे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। देखो ऐसा भी लिखा है हमने, ईच पेयर ऑफ स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज़ वन एंड ओनली वन ट्रांजिशन टू नेक्स्ट स्टेट।
हर स्टेट पे जब आप एक इनपुट सिंबल दोगे तो आप एक ही ट्रांजिशन करके नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचोगे। ठीक है, ये अलग अलग तरीके हैं बोलने के। दूसरा पॉइंट क्या है, DFAs रिकॉग्नाइज दी सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड नो अदर लैंग्वेजेस। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो DFA है वो रेगुलर लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है और किसी लैंग्वेज को नहीं कर सकता है। DFA इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। जितने भी कंप्यूटेशन मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे उससे सबसे सिंपलेस्ट मॉडल यही है। इट हैज़ ए वेरी लिमिटेड मेमोरी, इसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है। अब हम इसकी देख लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। तो एवरी DFA कैन बी डिफाइंड यूजिंग 5 tuples। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे उनमें सभी में ये 5 tuples होंगे। आगे के वीडियोस में जब हम NFA पढ़ेंगे उसमें भी ये 5 tuples होंगे। एप्सिलॉन NFA विथ एप्सिलॉन मूव देखेंगे उसमें भी ये 5 tuples होंगे। तो कौन कौन से 5 tuples होते हैं, कैपिटल क्यू, सिग्मा, क्यू ज़ीरो, कैपिटल एफ, डेल्टा। क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी उस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टेट्स होंगी वो हमारा क्यू होगा। सिग्मा हमें पता है इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जो कि क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स। क्यू ज़ीरो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग स्टेट, जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाएंगे उसमें एक इनिशियल स्टेट होगी जिसे हम क्यू ज़ीरो बोलेंगे। एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ये सिंगल स्टेट भी हो सकती है और मल्टीपल फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है डेल्टा, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ये अलग अलग होगा मशीन्स में, DFA का अलग होगा, NFA का अलग होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है NFA और DFA में। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसे क्यू में, एक क्यू स्टेट पर अगर आप कोई इनपुट अल्फाबेट देते हो तो आपको एक सिंगल स्टेट मिलती है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था क्यू इंटू सिग्मा गिव्स क्यू एंड क्यू इज़ यूनिक स्टेट। अगर आप एक जैसे क्यू ज़ीरो स्टेट पे आप ए इनपुट देते हो तो आप सपोज क्यू वन पे जाते हो, तो स्टेट के साथ इनपुट देने पे हमें एक स्टेट मिलेगी, इसीलिए हमने क्या लिखा है, क्यू इंटू सिग्मा गिव्स क्यू। तो ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एग्जांपल में, तो ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है जो हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 tuples होते हैं। पहला होता है कैपिटल क्यू, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम देखें तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, क्यू ज़ीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, तो क्यू में ये सारी स्टेट्स आ जाएंगी। सिग्मा क्या होता है, इनपुट सिंबल, आप इनपुट सिंबल देखो क्या है, 1 और 0 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका इनपुट सिंबल्स क्या है, 0 1। और क्यू ज़ीरो क्या है, देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यू ज़ीरो के आगे एरो लगा, इसका मतलब है क्यू ज़ीरो क्या है, स्टार्ट स्टेट। और कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एरो कमिंग फ्रॉम न्यू वेयर। स्टार्ट स्टेट कौन सी होती है जिसमें एक एरो आ रहा होता है, एम्प्टी एरो आ रहा होता है, उसमें कोई इनपुट सिंबल नहीं होता है। एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्यू थ्री क्योंकि डबल सर्कल के अंदर है तो क्यू थ्री हमारी फाइनल स्टेट है, इसीलिए F क्या होगा, Q3। अब अगर डेल्टा हम देखें तो डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन, वो क्या बताता है, Q इंटू सिग्मा गिव्स Q। और ट्रांजिशन फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन टेबल से, जो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यू ज़ीरो पे ज़ीरो इनपुट देने पर, क्यू ज़ीरो पर ज़ीरो इनपुट देने पर हम कहाँ पहुँच गए, क्यू टू स्टेट पर। तो क्यू ज़ीरो पर ज़ीरो इनपुट देने पे हम कहाँ पहुँच गए, क्यू टू स्टेट। और यहाँ पर मैंने क्यू ज़ीरो के आगे एरो लगाया, ये कोई सर्कल नहीं है, यहाँ सिर्फ एरो आएगा क्योंकि ये स्टार्ट स्टेट है और क्यू थ्री क्योंकि फाइनल स्टेट है, तो हमने इसको सर्कल में इंक्लोज किया है। तो क्यू ज़ीरो पे जब हमने एक ज़ीरो इनपुट दिया तो हम क्यू टू स्टेट पे पहुँच गए। सिमिलरली आप देखोगे क्यू ज़ीरो पे हम 1 देंगे तो हम क्यू 1 स्टेट पे पहुँच जाएंगे। तो क्यू ज़ीरो पे 1 इनपुट दिया तो ये बन गया क्यू 1 स्टेट। तो इस टाइप से ये ट्रांजिशन टेबल आप लोग बना लेना, क्योंकि आगे जाके आपको कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ना है तो ये आपको याद रखना होगा कि ये जो ट्रांजिशन टेबल हमने बनाया है, यानी ये जो DFA बनाया है, इसे कौन यूज़ करता है, लेक्सिकल एनालाइजर। अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं DFA की,
जैसे फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर द मशीन गोज़ टू वन स्टेट ओनली, जैसे मैंने बताया था डिटर्मिनिस्टिक। इसे डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक इनपुट दोगे तो आप एक ही स्टेट पे मूव करोगे। जैसे यहाँ पर Q0 को हमने ए दिया तो हम Q1 स्टेट पे पहुँच गए, Q0 को हमने बी दिया तो हम वापस Q0 पे पहुँच गए। एक पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर से आप एक ही स्टेट पे मूव कर सकते हो। इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, अब एक चीज़ आपको ये चीज़ याद रखनी है डिटर्मिनिस्टिक में, कि जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो हर स्टेट का, मतलब जब हम DFA डिज़ाइन करते हैं तो जितने इनपुट सिंबल्स आपको सिग्मा में दिए हुए हैं, अगर सिग्मा में 0-1 दिया है तो सारी स्टेट्स पे 0-1 का ट्रांजिशन दिखाना होगा। अगर सिग्मा में ए भी है, जैसे इसके लिए हमें दिख रहा है कि अल्फ़ाबेट्स ए भी दिए हुए हैं, तो देखो Q0 पर ए देने पे आप Q1 पहुंच रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि Q0 पे बी का ट्रांजिशन नहीं शो करो, आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट अल्फ़ाबेट के अंदर क्या है, ए और बी, तो आपको दोनों के ट्रांजिशन शो करने होंगे हर स्टेट पर, चाहे Q0 Q1 100 स्टेट्स होती तो 100 स्टेट्स पे हम ए और बी दोनों इनपुट सिंबल्स का ट्रांजिशन शो करते। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि Q0 पे ए देने पे हम Q1 जा रहे हैं, तो Q0 पे बी देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर। सिमिलरली अगर हम देखें Q1, तो Q1 पे भी हमने देखो ए और बी दोनों का ट्रांजिशन दिया है, तो Q1 पे ए देने पे हम Q1 पहुँच रहे हैं और Q1 पे बी देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पर ही पहुँच रहे हैं। ये एक सेल्फ लूप है, Q1 पे चाहे इनपुट ए दो चाहे बी दो, आपस आप कहाँ पहुँचोगे, Q1 स्टेट पे। तो हर स्टेट पे जितनी भी स्टेट होंगी उस पर आपको ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है DFA की, नल और एप्सिलॉन मूव इज़ नॉट अलाउड इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आप बिना कोई इनपुट दिए हुए, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो बिना कोई इनपुट दिए हुए आप नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते हो। जैसे मैंने Q0 पे एप्सिलॉन इनपुट दिया तो मैं Q1 पे पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होगा DFA में। आगे हम देखेंगे कि NFA में ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स DFA कैन नॉट चेंज स्टेट विदाउट एनी इनपुट कैरेक्टर। तो DFA बिना किसी इनपुट कैरेक्टर के जो है नेक्स्ट स्टेट पे मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर कैन बी मैनी पॉसिबल DFAs फॉर ए पैटर्न और लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के लिए आप मल्टीपल टाइप के DFAs बना सकते हो, बट हम कौन सा प्रेफर करते हैं, DFA विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। हमें ऐसा DFA डिज़ाइन करना होता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हों।